तो जैसा कि आप लोगों को बताया थे कि आज रवि का कार लेने जा रहे हैं हम लोग। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह टाइम हो रहा है, कितना 5:30 बज रहा है। ट्रेन अभी आने ही वाली है, रांची निकल रहे हैं। ठंडी इतनी ज़्यादा लग रही है भाई, एक तो कैप लेके आए नहीं, और ये लड़का इधर वीर रंजन मौर्या, पूरी ठंडी से भाई, पूरी बहुत ठंडी, पूरी ठंडी। गढ़वा रोड स्टेशन, गढ़वा रोड जंक्शन पीछे ट्रेन अभी थोड़ी देर में आने वाली है, अनाउंस हो रहा है उधर पे। मिलते थोड़ी देर ट्रेन से, और बाकी वीडियो के साथ बने रहे। गाड़ी आप देखना, गाड़ी के तो प्यारी लग रही है भाई। लड़का रात भर सोया नहीं है, और इसके साथ मैं भी नहीं सोया रात भर, मुझे भी तू नींद क्या नहीं आ कर रही रहा थी। है, तू एक्चुअली मैंने क्या कर ड्राइव रहा नहीं है, ली है, एक्साइटमेंट क्या रही है एक्साइटमेंट यार। दिख रही होगी। जल्दी जल्दी मैं कैब पहनना भूल गया भाई, अब कैब खरीदना पड़ेगा चल के। बालों के क्या हाल हो रहे हैं, जो भी भाई है। साहब कोविड टेस्ट हो रहा है, कोविड टोकन लो, टोकन पकड़ो। कहाँ पे दिखाना है? ऑटो भैया, ऑटो 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 चलो भैया, ऑटो चलो भैया। भैया कार ला दो आपके लिए, रेनॉल्ट की। भाई साहब भैया बहुत अच्छा, कार ला दो आपके लिए, आप अगर थक गए होंगे चल के तो। रात में रोड में कॉल की कार रांची, रात में और अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रांची, तो पहुंच चुके हैं। अब गाड़ी बता दी जाए, रिवील कर दी जाए, या वो भी डिलीवरी के टाइम बताया जाए? बता रवि क्या करना है? डिलीवरी के टाइम बताते हैं, डिलीवरी टाइम बताएगा। वैसे लोग थंबनेल देख के जान ही जाएंगे भाई, रिक्शा चलेगा? मजाक नहीं भाई, कैब से नहीं, रिक्शा चलेंगे भाई। 10 लाख की गाड़ी लेने जा रहे हैं यार। हाँ, इसलिए 10 लाख की गाड़ी चलेंगे, 10 लाख की गाड़ी ले जा रहे हैं। 100 रुपये रिक्शा में देंगे, रिक्शा चलेंगे। इलेक्ट्रिक रिक्शा, रिक्शा रिक्शा नहीं होता, रिक्शा होता। अरे भाई वही वही, फर्स्टली यू शुड हैव टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, इतना ही आता था क्योंकि ऐसा ही बोला था मेरे को जब मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी। इंटरव्यू में बोला गया था, इंटरव्यू में मेरे बोल के निकाला। अभी शोरूम जाने का कोई मतलब है नहीं क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा है वहाँ पे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना नितेश के रूम पे चला जाए। ये एक फ्रेंड रांची में, एक फ्रेंड रहता है तो उसी के रूम जा रहे हैं। रवि आ रहा है, नितेश थोड़ी देर में बोला कि इधर ही चौक का रूम है, पता नहीं किधर इस वाले चौक का रूम उसका लाल नितेश। और भाई बढ़िया, ये तो इतना हद्दा कच्चा लंबा है ना भाई, इसे गले मिलने के लिए इधर इसके सीने तक आना पड़ रहा है। मेरा हाथ भी मैगी बना देना, तू नहा धोवा के आ रहे हैं। ये नहीं आया, झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल। शुरू में कॉल किए थे, गाड़ी मिलने में भी और ज़्यादा टाइम है, तो ऐसे बोल रहे शाम तक देखे गाड़ी, टाइम बहुत ज़्यादा था। सोच रहे हैं ऐसे मूवी भी देख के आ जाते। मैं इधर नितेश, हाय नितेश, और इधर अपना छोटा सा बच्चा, ये छोटो मास्क उतार ले। मूवी देख के रिटर्न तो आ गए शोरूम। मूवी काफ़ी बकवास थी, हालांकि गाड़ी भी लगी हुई इधर। अरे तो वो है क्विड है भाई, वो तो क्विड है, क्विड है वो ये दर्द पर कारीगर है, वो भी कारीगर का, कारीगर नहीं क्विड है भाई। समझ नहीं आ रहा है, हम इसको बोले थे क्विड और वो सेम जैसा लगता है, रॉक जैसे करता है नितीश। हाँ तो रवि जी, मूवी कुछ रिव्यू देना चाहेंगे आप? रिव्यू तो देख रांची में कल हम लोग आए गाड़ी लेने के लिए, मैं रवि दोनों लोग, और कल पूरे दिन रुकना पड़ा। शोरूम वाला का जो प्रॉब्लम था, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, रजिस्ट्रेशन हुआ था फिर गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं मिला। 2 दिनों से रजिस्ट्रेशन का साइड का प्रॉब्लम चल रहा था, 2 दिनों से नंबर प्लेट, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है DTO ऑफिस में रांची, वो किसी शोरूम पे नहीं चल रहा था। तो 2 दिन तो उसको रजिस्ट्रेशन होने में निकल गए। अब कल शोरूम वालों का कहना था कि सर, शोरूम वालों ने बोला था कि 1 दिन के अंदर हम गाड़ी दे देंगे, अब नहीं हो पाया था। हालाँकि गाड़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं अपन ले पाए, कल पूरा दिन अपन रुके यहीं पर रांची में, एक होटल लेकर के इधर पर रुके थे दिन भर रुके। उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि आज गाड़ी में भी चांसेस है कि डिलीवर दे देंगे सर, अगर रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट हो गया, तो वो भी नहीं मिल पाया आज। अब आज सेकेंड डे है, आज भी रुकना पड़ेगा, मे भी ज़्यादा चांसेस है कि थर्ड डे कल जाके उन लोगों को गाड़ी मिलेगी।
कल एक मूवी वगैरह भी देखने गए थे, मूवी भी नाम नहीं बताऊंगा लेकिन घटिया मूवी थी, अच्छी मूवी नहीं लगी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ओल्डेस्ट टाइप मूवी देख रहे थे, ज़्यादा एक्शन वगैरह हो गया था उसमें, मूड ऑफ पहले से था, अभी शोरूम वाले से लड़े बड़े करके यार बहस हो गई थोड़ी सी ज़्यादा जा करके शोरूम में, मूड ऑफ कर दिया उन्होंने, क्या ही बोले अब, खुशी सोचा था मस्त आज गाड़ी मिलेगी ड्राइव करेंगे चला के मजे लेंगे उसके, रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे फालतू में, अब हमने कहा करते रूम बाहर घूमने चलते, थोड़ा कहाँ जा रहे हैं नीतीश अंकल, मना कर रहे फोटो निकालने से, लेकिन हम तो पक्का खींचेंगे। नीतीश घूमने कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हाय छोटे रवि भैया, हाय किराया चौक है ना, बोलो किराया चौक है, एक जैकेट खरीदा गया है, मेरा हुडी लेने का मन हो रहा है, हुडी एक शूज लेना है, फिर नीतीश के अंदर नीतीश को एक शर्ट लेना था, इसको एक शर्ट लेना था, पता नहीं क्यों खरीदा नहीं, अच्छा नहीं लगा भाई, अच्छा नहीं लगा इसका, हालांकि ये जैकेट ठीक है, मेरे को शूज लेना और एक हुडी लेना है, हुडी पसंद करता है और शूज लेना है भाई, मार्केट में मार्केट बहुत अच्छा दिख रहा है, मार्केट में ही अच्छा दिखेगा लेकिन फिर भी अच्छा दिख रहा है। तब नीतीश भाई कहे नहीं लिया तू, सस्ता सस्ता बहुत पैसा है, सस्ता सस्ता चीज ले, बहुत सस्ता जगह है, बहुत सस्ता जगह है ना भाई। पहुंच गए रूम में, धीरे धीरे हो गया सारा सामान है, अभी ताजे की चाय ता फूल गिलास में ताजे की चाहता है, आज है कुछ भी चाहता है भाई, सच में